नमस्कार, मैं इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो सेकंड चैप्टर का अपन सेकंड वाला जो टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे आवेशों के सतत वितरण के बारे में। आवेशों का सतत वितरण, सबसे पहले अपन बात करेंगे आवेशों का सतत वितरण क्या होता है। तो इस कंडीशन में पहले अपने डिस्कस किया था एक वर्ड बिंदुवत आवेश। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि बिंदुवत आवेश जो है ये क्या चीज होती है। जब हमारा जो आवेश होता है वो अत्यंत सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है। अब सूक्ष्म भाग में कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए किसी अणु पर आवेश है या किसी परमाणु पर आवेश है। जैसे मैं Na+ की बात करूँ कि Na+ है, तो Na+ पर हमें पता है कि आवेश जो है वो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। और Na+ का जो परमाणु होता है उसका जो आकार होता है वो एंगस्ट्रम में होता है, यानी बहुत कम। तो Na+ पर जो आवेश उपस्थित है वो आवेश कैसा होगा, हमारे लिए बिंदुवत होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आवेश हमेशा बिंदुवत ही हो। कई बार क्या होता है कि आवेश किसी भी तरीके से वितरित हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए एक छड़ है, अब इस छड़ के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है। मान लीजिए ये समावेशित छड़ है, तो इसको हम बिंदुवत आवेश नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो अगर मैं परमाणु की तुलना में अगर इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ तो इसका आकार बहुत बड़ा हो गया परमाणु से, ये इतनी बड़ी छड़ है। तो हो सकता है कि आवेश किसी पृष्ठ पर, किसी सतह पर वितरित हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि इस पूरे बोर्ड पर आवेश वितरित है, तो इसको हम बिंदुवत आवेश नहीं कह सकते। ऐसे जो आवेश होते हैं वो सतत आवेश होते हैं। एक गुण हमने पढ़ा था आवेश का क्वांटमीकरण, और वहां मैंने आपको बताया था कि आवेश का क्वांटमीकरण, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन ये जो क्वांटमीकरण का गुण होता है ये लागू होता है केवल और केवल बहुत सूक्ष्म आवेशों के लिए, यानी ये लागू होता है सूक्ष्म आवेशों के लिए। जब आवेश का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ है वो लागू नहीं होती। तो इस स्थिति में आवेशों का सतत वितरण, किन किन तरीके से आवेश है वो किसी सतह पर वितरित हो सकता है, तो अपन तीन तरीके से किसी आवेश को किसी जगह पर वितरित कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? हो सकता है वो रेखीय आवेश वितरण हो, रेखीय आवेश वितरण। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश है वो एक तार पर एक समान रूप से वितरित है। हो सकता है वो पृष्ठीय आवेश वितरण हो, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका मतलब ये हुआ हो सकता है वो आवेश किसी एक पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आवेश वो पूरे बोर्ड पर वितरित है, वो पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। तीसरा जो है वो है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। कि जब जो आवेश है वो किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास वस्तु, ये मार्कर है, तो अगर इस मार्कर के अंदर भी पूरे में आवेश, उसके पूरे आयतन में आवेश फैला हुआ है, तो ऐसे आवेश को हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। तीनों को एक एक करके समझते हैं कहां पर इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं रेखीय आवेश वितरण से। रेखीय आवेश वितरण का मतलब यह हुआ कि जब आवेश किसी तार पर एक समान रूप से वितरित हो। जैसे मान लीजिए ये एक तार दिया है, कितनी भी लंबाई का हो सकता है, अनंत लंबाई का भी अपन इसको ले सकते हैं। मैं कह दूं अनंत लंबाई का तार है और इस अनंत लंबाई के तार के ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इस प्रकार से इसको हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। हमें करना क्या है, आगे जाकर हमें निकालना होगा रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपने पहले चैप्टर में निकाला था। वहां हमने निकाला था कि Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो KQ बाई R स्क्वायर होता है। बट ये वाला जो फॉर्मूला है वो केवल और केवल हम किसके लिए लागू कर सकते हैं, केवल और केवल बिंदुवत आवेशों के लिए। एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 परस्पर एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है तो दोनों के बीच बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी लागू होता है केवल और केवल बिंदुवत आवेशों के लिए। अब अगर हमारे पास आवेश बिंदुवत नहीं है, वो फैला हुआ है एक बहुत बड़ी वस्तु पर, तो फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला अपन, जैसे मैं आपको कह दूँ इस तार के ऊपर क्यू आवेश वितरित
स्थित है, इस तार से r दूरी पर यहाँ बताओ कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उस स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते, KQ/R² वाला फॉर्मूला हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो केवल और केवल बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैंने इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, रेखिक अल्पांश ले रहा हूँ dl लंबाई का, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है dl, और इस dl लंबाई में जो आवेश उपस्थित है वो कितना है dq। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमने अल्पांश लिया है ये इसलिए लिया है ताकि मैं ये कह सकूं कि इस अल्पांश में जो भी आवेश dq उपस्थित है उसको हम कैसा दिखा सकें, बिंदुवत दिखा सकें। अब इस dq आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान, अब अपन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं KdQ/R², अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कारण क्योंकि अब ये जो मैंने अल्पांश लिया है यहाँ पे रेखिक अल्पांश, इस पर जो आवेश उपस्थित है हमारा dq, वो dq आवेश अब कैसा है बिंदुवत, और बिंदुवत आवेश के लिए वाला फॉर्मूला कब में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहली तो एक डेफिनेशन पूछी जाएगी, वो डेफिनेशन है रेखीय आवेश घनत्व की, रेखीय आवेश घनत्व है, इसको लिखा जाता है लेमडा से। तो लेमडा की परिभाषा हो गई लेमडा इज इक्वल्स टू DQ/dl होता है। अब यहां से अपन परिभाषा डिनोट करेंगे, dl क्या है, मैं आपको ये कहूं कि dl लंबाई में उपस्थित आवेश dq है, तो इसका मतलब एक लंबाई में कितना हो गया DQ/dl। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या हो गई, किसी समावेशित तार, किसी समावेशित तार, समावेशित तार की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व है। जैसे देखो DQ/dl, अगर मैं dl का मान एक ले लूं तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dq, इसका मतलब ये हुआ एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व है लेमडा कहेंगे। अगर मैं आपको ये कह दूं कि सीधा सीधा यदि l लंबाई में, l लंबाई में q आवेश है या q आवेश उपस्थित है, तब लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास Q/L, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व है। यहीं से देखें इसका मात्रक, तो लेमडा का मात्रक, तो लेमडा का मात्रक चाहिए तो उसके लिए dq का मात्रक चाहिए, तो dq का मात्रक तो क्या होगा हमारे पास कूलाम अपॉन dl, dl का मात्रक क्या हो गया मीटर, तो मात्रक क्या हो गया कूलाम अपॉन मीटर। यहां से अगर लेमडा बराबर DQ/dl है तो ऐसी स्थिति में dq इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा लेमडा इंटू dl, कहां से मिला ये अपने पास समीकरण एक से, इसको मैं समीकरण नंबर एक दे दूं कि अगर लेमडा इज इक्वल्स टू DQ/dl है तो यहां से dq इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा इंटू dl। तो ये तो परिभाषा पूछी जाती है रेखावेश घनत्व की। फिर अपने से एक चीज पूछी जाएगी, वो अपने से पूछी जाएगी रेखीय आवेश वितरण, वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। कैसे, जैसे अपने को यह कह दिया जाए एक तार है और उस तार के ऊपर समान रूप से आवेश है वो वितरित है। अब ऐसी स्थिति में ये समावेशी तार हो गया, उदाहरण के लिए चलो मैं मान लेता हूं कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है वो l है और इसके ऊपर आवेश है वो dq है। अपने को कहा जाए इस तार से r दूरी पर यहां कोई बिंदु p है, इस बिंदु P पर हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज में लेना है KQ/R², डायरेक्ट वो फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते क्योंकि ये आवेश बिंदुवत नहीं है। तो वही फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कोई भी एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे dl, उस dl में जो आवेश उपस्थित है वो कितना हो गया dq। तो यहां ये थ्योरी में लिख देंगे चीज कि माना एक समावेशित
रेखीय तार के ऊपर समान रूप से आवेश वितरित है। तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम उस तार पर एक अल्पांश dl लेते हैं जिसमें उपस्थित आवेश कितना है dq। अब तो इसके कारण निकाल ही सकते हैं dq से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या लिखेंगे, कहता है अल्पांश dl में उपस्थित dq आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो हमारे पास चूंकि अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी अल्पांश हो जाएगा, उसको मैं DE से डिनोट कर देता हूं। DE इज इक्वल्स टू k, आवेश कितना है वहां पे dq, तो kq यानी dq बाई आर स्क्वायर, तो बाई आर स्क्वायर, बट डी क्यू तो दिया ही नहीं था अपने को, रेखीय आवेश घनत्व दिया था और ये अपने को दिया था कि इस तार का रेखीय आवेश घनत्व, और वो हमें दिया था कि लेमडा है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, लेमडा रेखीय घनत्व वाले तार से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक छोटा सा अल्पांश लिया डीएल, उस डीएल में आवेश कितना था dq, ये हमने माना है, तो इस dq का मान हमें रखना पड़ेगा लेमडा के पदों में। तो वहां पर पीछे अपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि लेमडा का फॉर्मूला होता है dq बाई dl, तो वहां से dq इज इक्वल टू कितना आ गया लेमडा इंटू dl, ये वाली dq की वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या जाएगा, de इज इक्वल टू k लेमडा dl बाई r स्क्वायर। इस अल्पांश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला k लेमडा dl बाई r स्क्वायर, ये तो इस टुकड़े के कारण हमने निकाला है। अगर संपूर्ण तार के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है उसके लिए क्या कर देंगे, समाकलन, तो संपूर्ण समावेशित तार के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों पक्षों का समाकलन, डी का समाकलन करेंगे तो ई, और इधर हो जाएगा के लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर। ये जो समाकलन है ये हम रेखीय समाकलन कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसके अपॉन में यहां रख दूंगा स्मॉल एल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उनका रेखीय समाकलन है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ा, रेखीय आवेश वितरण, अब अपन चलते हैं सेकंड वाले पर, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब हमारे पास आवेश एक तार पर उपस्थित ना होकर एक पृष्ठ पर उपस्थित हो, तो इसी में उसको आपको बता देता हूं, तो सेकंड में ले रहा हूं हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, अब पृष्ठीय आवेश वितरण को समझने के लिए इस बार तार ना देकर कोई भी एक पृष्ठ दे देगा, जैसे मान लीजिए एक पेपर ले लिया अपन ने कागज का, और वो जो पेपर है उसके ऊपर समान रूप से आवेश है वो वितरित है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो जब किसी पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब अपन बात करेंगे, अब रेखीय आवेश घनत्व नहीं होगा तो अब वो हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सेम, अब तीनों डेफिनेशन है वो एक ही चीज पर आधारित है। वहां पर हमने क्या लिया था, उसके ऊपर एक रेखिक अल्पांश, यहां हम लेंगे एक पृष्ठीय अल्पांश, क्षेत्रफल का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे क्योंकि यहां पृष्ठ की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो हमने क्या किया, इसकी सतह पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया ds, उस ds में कितना आवेश उपस्थित है dq, तो फिर बताओ सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू dq बाई ds। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी समावेशित पृष्ठ, अब वो पृष्ठ हो गया है, किसी समावेशित पृष्ठ के एकांक लंबाई की जगह आ जाएगा क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। परिभाषा, किसी समावेशित पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अच्छा मात्रक देखें, डी क्यू का मात्रक क्या हो गया कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर अपन बात करें अगर पूरा का पूरा क्षेत्रफल दे दे, कि यदि S क्षेत्रफल में
कितना आवेश हो, क्यों आवेश उपस्थित है, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस। अब यहां से क्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एस है तो यहां से डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस, ये अपने को मिल गया समीकरण एक से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि अगर पृष्ठीय आवेश वितरण दे दिया जाए तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से निकालेंगे। क्या दिया अपने को, अपने को दे दिया कि मान लीजिए एक समावेशित पृष्ठ है, तो ये एक समावेशित पृष्ठ हो गया। अब इसका हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया जाएगा सिग्मा, कि इसके एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है, सिग्मा है। तो क्या दे दिया इसका हमें, पृष्ठीय आवेश घनत्व दे दिया कि सिग्मा है। हमें कहा गया है इस पृष्ठ से r दूरी पर, यहां कोई बिंदु दे दिया p, कि इस पृष्ठ से r दूरी पर इस बिंदु p पर बताओ कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे ds, उस अल्पांश क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है, dq। फिर बता रहा हूं अल्पांश क्षेत्रफल इसलिए लेते हैं ताकि इस छोटे से टुकड़े को हम बिंदुवत दिखा सकें, ताकि फॉर्मूला हम ये वाला लगा सकें k³/r² क्या चेंज हो जाएगा। अब अल्पांश क्षेत्रफल है तो अल्पांश ds में dq आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dE इज इक्वल्स टू अल्पांश है विद्युत क्षेत्र भी, k dq/r². अब यहां लेमडा नहीं है, यहां सिग्मा है, तो लेमडा इज इक्वल्स टू dq/dl, सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, dq/ds, तो यहां से dq का मान कितना आ गया, सिग्मा इंटू ds। ये dq का मान अपन रख देंगे यहां पर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू k सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। और अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण अपने से पूछा जाएगा तो e इज इक्वल्स टू, अपन कर देंगे उसका समाकलन, तो k सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर। अब l की जगह रख देंगे अपन s, s अपने को बता रहा है कि हम उसका कौन सा समाकलन कर रहे हैं, पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं। तो ये अपनी सेकंड वाली डेफिनेशन हो गई पृष्ठीय आवेश वितरण की। अब चलते हैं अपन तीसरे पर, तीसरा जो वितरण आता है वो आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में फैला हुआ हो। अब कहां पर फैलता हो, कहां पर फैलता है, पहली बात आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जितनी भी सारी चालक वस्तुएं होती हैं तो चालक वस्तुओं को दिया गया आवेश हमेशा कहां वितरित होता है, उनके पृष्ठ पर, उनकी सतह पर वितरित होता है, और कुचालक वस्तुओं को दिया गया आवेश हमेशा उनके अंदर आयतन में रहता है, उन वस्तुओं के अंदर आयतन में वितरित होता है। जैसे अगर रबर की बॉल को हम चार्ज करते हैं, रबर की बॉल जो अंदर से ठोस होती है, अगर उसको आवेश दिया जाएगा तो अंदर से पूरी की पूरी वस्तु चार्ज हो जाएगी, उसका सारा का सारा आवेश कहां चला जाएगा, उसके आयतन में चला जाएगा। और अगर स्टील की बॉल को हम चार्ज करेंगे तो आवेश केवल और केवल सतह पर रहेगा। तो आयतन आवेश वितरण ये लागू होता है जितने भी सारे हमारे कुचालक पदार्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु दे दी अपने को इस तरीके की, आवेश जो है वो उस पूरी वस्तु के अंदर फैला हुआ है, उसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। इसको डिनोट करते हैं रो से, आयतन आवेश घनत्व रो। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो सबसे पहली चीज, अब वही चीज निकालने के लिए, बिंदुवत दिखाने के लिए मैं इसका एक छोटा सा आयतन ले लेता हूं डीवी। पहले मैं क्या लिया था डीएल, सेकंड में क्या लिया डीएस, अब क्या ले रहे हैं डीवी। इस डीवी में कितना आवेश उपस्थित है, डीक्यू। तो आयतन आवेश घनत्व क्या हो गया, रो इज इक्वल्स टू डीक्यू अपॉन डीवी। मात्र क्या हो जाएगा, क्यू का कूलाम, आयतन का अपन जानते हैं मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। परिभाषा पे चलते हैं, V आयतन है, तो किसी समावेशित वस्तु के एकांक आयतन में, क्षेत्रफल की जगह यहां आ जाएगा आयतन, किसी समावेशित वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। अगर V आयतन, पूरे की बात करें, यदि V आयतन में
क्यू आवेश उपस्थित है तब हमारे पास रो का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन वी। यहां से अगर रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी है तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो इंटू डी वी। तो ये ध्यान में रखना है, मेन चीज परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है कि आयतन आवेश घनत्व है या पृष्ठीय आवेश घनत्व है या रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा बताइए। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगी, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे उसको देखें। तो पृष्ठीय की जगह अब अपने को दे सकता है कि बताइए आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो क्या दे दिया अपने को कि एक वस्तु है और उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में, यह मान लीजिए वस्तु है, उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से आवेश वितरित है। अपने को कहा गया है इस वस्तु से r दूरी पर यहां कोई बिंदु दिया है P, इस बिंदु P पर बताइए विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो उसके लिए हम इस वस्तु का एक अल्पांश आयतन dV लेते हैं और उस dV में जो आवेश उपस्थित है वो कितना ले लिया, dQ, ताकि उस आवेश को बिंदुवत दिखाया जा सके। और क्या दिया है, ये जो समावेशित वस्तु है इसका आयतन आवेश घनत्व हमें कितना दे दिया, रो दे दिया। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसके कारण या विद्युत क्षेत्र निकाल लें तो क्या लिखेंगे, अल्पांश आयतन dV में उपस्थित dQ आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला रहेगा k dQ बाई r स्क्वायर। अब यहां पर फॉर्मूला सिग्मा की जगह क्या है, रो, रो इज इक्वल्स टू क्या है, dQ बाई dV। देन यहां से dQ का फॉर्मूला क्या आ गया, रो इंटू dV। ये मान ला के रख दें यहां पे तो सिग्मा ds की जगह आ जाएगा रो इंटू dV। अपने को कहा गया है कि संपूर्ण आयतन के कारण बताइए, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, E इज इक्वल्स टू सिग्मा ds की जगह आ जाएगा हमारे पास रो इंटू dV, s की जगह क्या रख देंगे v, और ये जो है वो उसका क्या है, आयतनीय समाकलन है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जब आवेश बिंदुवत प्रकृति का नहीं होता है तो वो तीन प्रकृति का हो सकता है, हो सकता है कि वो रेखीय आवेश वितरण हो सकता है कि वो पृष्ठीय आवेश वितरण हो सकता है वो आयतन आवेश वितरण हो। यहाँ से तीनों एक परिभाषाएं, लेमडा की रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और रो आयतन आवेश घनत्व है, इनकी परिभाषाएं हम अपने को ध्यान में रखनी है। इस प्रकार इनके कारण विद्युत क्षेत्र है वो निकालते हैं, बाकी का देते हैं अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।